भाइयों और बहनों, आज रात मैं आपसे कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। इस प्रसिद्ध घाटी के सौंदर्य के बारे में नहीं, बल्कि उस भूकंप के बारे में जिसका कश्मीर को हाल में सामना करना पड़ा है। हम लोग बहुत संकट के दिनों से होकर गुजरे हैं और हमें कितनी ही महत्वपूर्ण और दूर तक प्रभाव डालने वाले निर्णय करने पड़े हैं। हमने ऐसे निर्णय किए हैं और मैं आपको उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पड़ोसी सरकार ने ऐसी भाषा जो सरकारों की तो क्या, बल्कि जिम्मेदार लोगों की भाषा नहीं है, भारत सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उसने कश्मीर को धोखेबाजी से भारतीय संघ में सम्मिलित किया है। ऐसी भाषा के प्रयोग से मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता और ना ऐसा करने की मेरी इच्छा ही है, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जनता की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि कश्मीर में दंगा और बल प्रयोग हुआ है, लेकिन प्रश्न यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जम्मू और कश्मीर रियासत के बड़े हिस्से बाहरी आक्रमणकारियों द्वारा, जो कि हथियारों और सामान से सुसज्जित हैं, ध्वस्त हो चुके हैं। उन्होंने गांवों को लूटा तथा तबाह किया है। उन्होंने वहां बहुत से निवासियों को तलवार के घाट उतार दिया है। इस सुरम्य और शांत देश में भीषणता का आक्रमण हुआ और श्रीनगर का सुंदर शहर भी नष्ट होते होते बचा। मैं यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि कश्मीर के संबंध में हमने हर एक कदम पूरे सोच विचार के बाद और परिणामों को ध्यान में रखते हुए उठाया है, और मुझे विश्वास है कि हमने जो कुछ किया है ठीक किया है। इन कदमों का ना उठाना हमारे लिए एक दायित्व के प्रति धोखा देना होता, और बल प्रयोग के सामने, जिसके साथ ही साथ अग्निकांड, स्त्रियों के साथ बलात्कार और कत्ल हो रहे हों, बुजदिली के साथ झुक जाना होता। कुछ हफ्तों से हमें जम्मू प्रांत के रियासती प्रदेश में आक्रमणकारी दलों की चुपके चुपके प्रवेश करने के समाचार मिल रहे थे। इस बात के भी कि कश्मीर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत की सीमा पर हथियारबंद आदमियों का जमाव हो रहा है, हम स्वभावतः इससे चिंतित हुए। न केवल इस ख्याल से कि कश्मीर और उसके लोगों से हमारे निकट के संबंध हैं, बल्कि इसलिए भी कि कश्मीर बड़े बड़े राष्ट्रों का सीमावर्ती इलाका है, इसलिए वहां जो कुछ हो रहा है उसमें दिलचस्पी लेना हमारे लिए अनिवार्य है। लेकिन हम किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे और ना हम लोगों ने हस्तक्षेप का कोई कदम उठाया। हालांकि जम्मू प्रांत के एक हिस्से पर आक्रमणकारी चढ़ आए थे, यह कहा गया है कि जम्मू की ओर से पाकिस्तान की सीमा पार करके हमले हुए थे और मुसलमान मारे भगाए या निकाल दिए गए थे। भाइयों और बहनों, हमने बुराई की निंदा करने में कभी संकोच नहीं किया है, चाहे उसके करने वाले हिंदू हों या सिख हों या मुसलमान हों। इसलिए अगर हिंदुओं या सिखों या रियासत के कर्मचारियों ने जम्मू प्रांत में कोई दुर्व्यवहार किया है तो हम निश्चित रूप से उसकी निंदा करते हैं और उनके किए पर खेद प्रकट करते हैं।
लेकिन मेरे सामने जम्मू सूबे के 95 लोगों की एक विस्तृत सूची है जिनका पाकिस्तान ने आए आक्रमणकारियों ने विध्वंस किया है। भिंबर जैसे एक काफ़ी बड़े कस्बे को लूटकर उसे ध्वस्त कर दिया गया है और भी कस्बों पर घेरा डाल दिया गया और पुंछ और मीरपुर के इलाकों के काफ़ी बड़े हिस्से आज हमला करने वालों के अधिकार में हैं। अब यह इस बात का संकेत देता है कि कश्मीर की ओर से पश्चिमी पंजाब पर आक्रमण हुए। इससे क्या यह नहीं प्रकट होता कि पश्चिमी पंजाब से कश्मीर रियासत में बराबर संगठित हमले होते रहे हैं। इन हमला करने वालों के पास नए से नए ढंग के आधुनिक हथियार हैं। यह कहा गया है कि आग फेंकने वाले अस्त्रों का भी प्रयोग हुआ है और उनके पास एक बिगड़ा हुआ टैंक भी पाया गया है। इस समय के आसपास कश्मीर रियासत ने हमसे हथियारों की मांग की। हमने इस विषय में कोई जल्दबाजी नहीं की। हालांकि हमारे रियासती और रक्षा मंत्रियों ने मंजूरी दे दी थी, तथापि वास्तव में कोई हथियार भेजे नहीं गए। 24 अक्टूबर की रात को पहली बार कश्मीर रियासत की ओर से भारत में मिलने की तथा सैनिक सहायता की प्रार्थना की गई। 25 तारीख को हमने रक्षा समिति में इस पर विचार किया, लेकिन सेना भेजने के विषय में इस कार्य की प्रत्यक्ष कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कोई निर्णय नहीं किया। 26 तारीख को सवेरे हमने इस मामले पर फिर विचार किया। अब तक स्थिति और भी नाजुक हो चुकी थी। धावा करने वालों ने कई कस्बों में लूट मार की थी और महोबा के विशाल बिजली घर को, जहां से सारे कश्मीर में बिजली पहुंचती है, नष्ट कर दिया था। वे घाटी में प्रवेश करने ही वाले थे। श्रीनगर और सारे कश्मीर का भाग्य अधर में था। हमारे पास सहायता मांगने के जरूरी संदेश न केवल महाराज की सरकार की ओर से बल्कि जनता के प्रतिनिधियों की ओर से भी आए, खासकर कश्मीर के उस बड़े नेता और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभापति शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पास से। कश्मीर सरकार और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही ने इस पर जोर दिया कि कश्मीर का भारतीय संघ में प्रवेश हम स्वीकार करें। हमने इस प्रवेश को स्वीकार करने का और हवाई जहाज़ों से सेना भेजने का निश्चय किया, लेकिन हमने एक शर्त लगाई कि इस प्रवेश पर रियासत में शांति और व्यवस्था स्थापित हो जाने के बाद कश्मीर की जनता की राय ली जाए। हमें इस बात की चिंता थी कि हम कोई अंतिम निर्णय ना कर लें। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धि इतनी सक्षम और सामर्थ्यवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारों ओर के जड़ और सजीव जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिशा में चलाने के योग्य हो जाता है। बुद्धि एवं विचार शक्ति को और अधिक सामर्थ्यवान बनाने की प्रक्रिया को ही शिक्षा कहा जाता है।